ओके तो आज हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ने वाले हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स एंड ए बी द सबसेट ऑफ यू विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज प्राइम नंबर्स दैट आर नॉट डिविजर ऑफ 42। यू एक प्राइम नंबर का सेट है, यू एक प्राइम नंबर का सेट है और ए क्या है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट वो यू प्राइम नंबर का ही सेट है, मतलब यू में बिलोंग करेगा जितना भी ए का एलिमेंट है। एंड एक्स इज नॉट डिविजर ऑफ 42, और 42 का डिविजर नहीं होना चाहिए, ए का वो है वो प्राइम नंबर जो 42 का डिविजर नहीं होना चाहिए, वो सेट ए में आएगा। तो ए में कौन, 2 आएगा, 2 ए में नहीं आएगा क्योंकि वो तो 42 का डिविजर है। 3 ए में नहीं आएगा, 5 आएगा ए में, हाँ 5 आएगा क्योंकि 5 42 का डिविजर नहीं है। 7 आएगा, 11 आएगा क्योंकि ये सब 42 का डिविजन नहीं है, ये सब बाकी सब आएंगे क्योंकि ये सब 42 के डिविजन नहीं है। 21 तो प्राइम ही नहीं है तो 21 तो लेंगे ही नहीं। हाँ अगर आप सोच रहे हैं 19 के बाद 21 क्यों नहीं लिए, 21 बिलोंग नहीं करेगा ये में क्योंकि कट जा रहा है, लेकिन 21 प्राइम नंबर नहीं ना है, हमको सारा प्राइम नंबर लेना है। तो यहाँ पे देखते आगे बढ़ते हैं, ये बोला गया ठीक है। 10 द सेट ऑफ ए क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स इज नॉट डिविजर 42। वी सी दैट 2 बिलोंग्स टू यू बट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए क्योंकि 2 डिविजर है 42 का, बिकॉज 2 इज डिविजर ऑफ 42। सिमिलरली 3 बिलोंग्स टू यू बट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 7 बिलोंग्स टू यू, 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। नाउ 2, 3, 7 आर ओनली एलिमेंट्स ऑफ यू विच डू नॉट बिलोंग्स टू ए। अब ए में बिलोंग करने वाले कौन नहीं है, यही 3 है ना, 7 ए में सॉरी नहीं बिलोंग करेगा, 7 ए में बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि 7 42 का डिविजर है, ठीक है। तो ये 3 एलिमेंट वो हैं जो ए में नहीं है, बाकी जितना भी प्राइम नंबर होगा सारा ए में होगा, बाकी जितना भी प्राइम नंबर नीचे जो भी डॉट 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 जो भी आएगा वो सभी ए में होगा क्योंकि वो सभी डिविजर नहीं है 42 के, तो बाकी सब ए में आएगा ये 3 को छोड़कर, ठीक है, यही कहा जा रहा है यहाँ पे। द सेट ऑफ दीज 3 प्राइम नंबर्स दैट इज 2, 3, 7 इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू यू। तो ये जो तीनों सेट है, ये जो तीनों नंबर का एक सेट बनेगा 2, 3, 7, ये कौन है जो ए में बिलोंग नहीं करते हैं, नहीं ऐसे नहीं पूरा सेट हो जाएगा, ये वो है जो ए में बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है। ये सेट मतलब ये जो एलिमेंट है ए में बिलोंग नहीं करता है, तो ये जो एक सेट बना इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू यू, ठीक है, एंड इज डिनोटेड बाई ए डैश, इसको ए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं या ए डैश बोलते हैं, ठीक है, ए डैश। सो ए डैश इज इक्वल टू 2, 3, 7। 10 वी सी दैट ए डैश इज इक्वल टू क्या होगा, ए डैश का अगर हम डिफिनीशन लिखे तो क्या लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, एंड यहां दिखाई दे रहा है एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, यही ए डैश का डिफिनीशन होगा। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। और अभी हम लोग देखने जा रहे हैं डिफिनीशन 8। हम उम्मीद करते हैं कि आपको 7 डिफिनीशन अभी तक याद हो गया होगा, पूरा जवान पे होगा आपके 7 डिफिनीशन पीछे का, जो कि बहुत जरूरी है याद होना। 7 डिफिनीशन आपको पूरा याद होगा ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है, और नहीं याद है तो याद कर लीजिए किसी तरीका से, रट जाइए पूरा 7 डिफिनीशन को, एकदम समझ तो गए ही हैं आप, ऐसा हम थोड़े बोल रहे हैं कि वो समझ ही नहीं या याद कर जाइए, समझ तो गए ही हैं, याद नहीं है आपको, याद होना चाहिए, ठीक है, इससे मैथ का लैंग्वेज बिल्ड होगा आपका, जरूरी है वो। तो डिफिनीशन 8, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, ये कॉम्प्लीमेंट का डिफिनीशन है, इसको याद कर लेंगे हम लोग। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए इज अ सबसेट ऑफ यू। यू एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, जो उस छोटे वाले सेट से बड़ा हो, जैसे कि प्राइम नंबर के लिए नेचुरल नंबर क्या है, यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल सेट के बारे में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं अच्छे से। तो लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए बी द सबसेट ऑफ यू, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यू
विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए, देन ए का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू का वह सारा एलिमेंट जो ए में भाग नहीं, ए में नहीं है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. सिंबोलिकली वी राइट ए डैश टू डिनोट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को हम लोग ए डैश से दिखाएंगे, ठीक है. एंड उसका अगर मैथमेटिकल डिफिनीशन बोला जाए तो यहाँ मैथमेटिकल डिफिनीशन लिखा हुआ है. मैथमेटिकल डिफिनीशन क्या है, ए डैश इज इक्वल टू, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू, यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करेगा, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है. ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट का क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट का हमारा डिफिनीशन है. और एक बात बताइए, ये डिफिनीशन अगर हम ये हटा दें, अगर ये हम नहीं लिखते तो ये किसका डिफिनीशन था, माइनस का. हम यू माइनस ए को भी तो इसी तरह लिखते हैं ना, कोई एलिमेंट ए में इसमें बिलोंग करे और इसमें नहीं बिलोंग करे तो ई माइनस ये होता है, पढ़े चुके हम लोग, इसको यू माइनस ए भी बोल सकते हैं. इसका मतलब है ये कॉम्प्लीमेंट का डिफिनीशन था, डिफिनीशन ए कॉम्प्लीमेंट इस तरह से डिफाइन है, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट बराबर हम बोल सकते हैं यू माइनस ए. यू माइनस ए का भी तो मतलब वही होता है कि वो एलिमेंट जो यू में हो और ए में नहीं हो, उसी को तो यू माइनस ए बोलेंगे और उसी को तो ए कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं. तो यू ए कॉम्प्लीमेंट और यू माइनस ए बराबर होगा, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. वी नोट दैट और यू वी नोट दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए कैन बी लुक्ड अपॉन अल्टरनेटिवली एज द डिफरेंस बिटवीन अ यूनिवर्सल सेट यू एंड द सेट ए. हम लोग अल्टरनेटिवली लेके चलते हैं डिफरेंस को भी. और तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक, एंड एक दिया हुआ है ए 1 3 5 7 9, तो ए डैश निकालना है. तो वो एलिमेंट जो ए में नहीं हो, आसान है ना, इसका ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और 10 होगा, जो जो नहीं है, ठीक है, जो ए में नहीं है, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. एग्जाम्पल 21, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ को एजुकेशनल स्कूल एंड ए बी द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास 11th, फाइंड ए डैश. क्लास 11th के सारे स्टूडेंट को, क्लास किसी स्कूल के, क्लास 11th के सारे स्टूडेंट को. सो लाइट कट गया, लाइट कट गया, ओके. तो यू बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ अ को एजुकेशनल स्कूल. तो क्लास 11th के सारे स्टूडेंट को यू मान लिए और गर्ल्स को ए सेट मान लिए, सारे गर्ल्स को सेट ए माने और बाकी सारे स्टूडेंट को यू माने, तो ए डैश क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट. ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, जो 11th में हो लेकिन गर्ल्स नहीं हो, तो इसका मतलब कि सारे बॉयज होंगे, ये क्या होंगे, ए कॉम्प्लीमेंट. ए अगर गर्ल्स है तो ए डैश क्या होंगे, क्लास 11th के बॉयज, ठीक है. ए डैश इज क्लियरली द सेट ऑफ ऑल बॉयज इन द क्लास. नोट है कि इफ ए इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू देन इट्स कॉम्प्लीमेंट ए डैश इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ यू. हाँ, अगर ए डैश ए सबसेट है यू का, ए सबसेट होता है ना यू का ही सबसेट है, होता है ना ए, तो ए कॉम्प्लीमेंट भी होगा, वो यू का सबसेट होगा. हम लोग कॉम्प्लीमेंट का डिफिनीशन में ही पढ़े हैं कि यू बी द यूनिवर्सल सेट ए बी द सबसेट ऑफ यू, यू का सबसेट है ए. जैसे हम यू मान लेते हैं 1 2 3 4 5, इसको यू मान लिए तो ए क्या होगा, इसका कोई सबसेट है, मान लेते हैं 1 2, तो जो ए कॉम्प्लीमेंट हुआ वो कौन बचा, 3 4 5, ये भी तो सबसेट है ए का, सॉरी यू का, और ये भी सबसेट है यू का, है नहीं, तो यही बोला है. अगेन एग्जाम्पल 20 अबव वी सी दैट ए डैश इज इक्वल टू 2 4 6 8 10. एग्जाम्पल 20 में जो ऊपर हम लोग देखे हैं कि ए डैश जो है, ए कॉम्प्लीमेंट कितना है, 2 4 6 8 10. अब फिर से इसका ए कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होगा, कि वो सेट, वो एलिमेंट जो यू में बिलोंग करता है, द सेट ऑफ ऑल एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड x does not belong to a complement, जो a complement में belong नहीं करे, a complement में belong नहीं करे,
तो ए कॉम्प्लीमेंट में जो बिलोंग नहीं करता है वो किस में करता है? ए में। जो ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करेगा तो किस में करेगा? जैसे देखिए, हम लोग ऊपर हमारा यू था कितना, एग्जांपल 20 में 1, 2, 3 यहाँ से 10 तक, और तो ए क्या था? ए था हमारा 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट हम लोग निकाले थे, तो ए कॉम्प्लीमेंट आया था, ए कॉम्प्लीमेंट आया था 2, 4, 6, 8। तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जो यू का वो सेट जो ए का ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं हो, तो ए कॉम्प्लीमेंट में कौन नहीं है? 1, 3, 5, 7, 9 यू के ये सारे एलिमेंट हैं जो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। इसका मतलब है ये किसके बराबर आ गया? ए के बराबर। यानी ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो फिर से ए ही आ जाता है, ठीक है, यही बात बोला था। अब है वी फाइंड ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट एंड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जैसे एक एग्जांपल लिया गया यू, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ए है 2, 3 और बी है 3, 4, 5, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और ए यूनियन बी, ये सब निकाला गया, ये सब बोला है निकालने के लिए, ठीक है। उसके बाद आसान है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये यू है, ये ए है 2, 3, बी है 3, 4, 5। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट ए में नहीं हो और यू में हो तो कौन है? 1, 3, 4, 5, 6 ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और बी कॉम्प्लीमेंट बोला है, तो बी कॉम्प्लीमेंट जो बी में, जो बी में नहीं हो और यू में हो, 1, 2, 4, 1, 2 और 6, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट में 3 नहीं होगा, सॉरी 1 होगा। जो ए में हो, ए में नहीं हो और यू में हो, तो 1 है और 2 है और 4 है, 5 है, 6 है, इसमें 1, 2, 6 है, ठीक है ना। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें 1 और 2 कॉमन मिल रहा है सिर्फ, ठीक है। ए यूनियन बी बोला है, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा? 2, 3, 4 और 5। तो बोला है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, ऐसा शो कीजिए, ठीक है। तो ऐसा शो करते हैं, देखते हैं। तो हम लोग निकालते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी में नहीं हो, कौन कौन नहीं है? जो यू में है, ए यूनियन बी में नहीं है, तो 1 है, 2, 3, 4, 5 नहीं है, 6 है, 1 है और 6 है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, ओ यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में 1 जो जो कॉमन था, एक मिनट, ए कॉम्प्लीमेंट में 2 नहीं होगा ना, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट में 2 नहीं होगा, ए कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा? 1 होगा और 4, 5, 6 होगा। बी कॉम्प्लीमेंट सही है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा? 1 और 6, यहाँ पे गलती हुआ था, सही कर दिए, ठीक है ना, आसान है। तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कितना होगा इन दोनों में जो कॉमन हो, 1 और 6। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आ गया ना दोनों बराबर, तो सो हो गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि इट कैन बी शोन दैट द एबव रिजल्ट ट्रू इन जनरल इफ ए एंड बी आर एनी टू सबसेट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट यू, देन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वह ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है, एंड ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वह ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं DeMorgon's लॉ। इसी को क्या बोलते हैं? DeMorgon's लॉ, ठीक है, कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट, ये वाला बात कर रहा है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स इज द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स, इज द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। कह रहा है कि
The complement of the union of two set. The complement of union of two set का complement बराबर होगा intersection of their complements. इन दोनों के complement के intersection के बराबर होगा. ठीक है? And the complement of the intersection of two set. अब दो set के intersection का जो complement होगा is equal टू सेट इज द यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट. इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के बराबर होगा. इसी को बोलते हैं डीमॉर्गन्स लॉ. ठीक है, दो को फॉर्मूला हो गया हमारा, ये डीमॉर्गन्स लॉ है. ठीक है, दीज आर नेम्ड आफ्टर द मैथमेटिशियन डीमॉर्गन्स. द कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए कैन रिप्रेजेंट बाय वेन डायग्राम. देखिए ए कॉम्प्लीमेंट को कैसे दिखाएंगे. मान लेते हैं ये यू है और ये ए है. ये अंदर वाला क्या है, ए, और ये है यू. ये हमारा यू है और ये हमारा ए है. तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए को छोड़ के यू का बाकी सारा पार्ट, ये जो जितना पार्ट है ना, ए को छोड़ के जो पार्ट है, यही हमारा क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट. यू मतलब पूरा आ गया, पूरा अंदर, ए के भी अंदर का सारा भाग. ए मतलब सिर्फ ए का भाग. ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के यू का सारा भाग. ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट लॉज क्या है, यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के बराबर क्या होगा, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट बराबर, देखिए जैसे ये यूनियन हो गया, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए हो गया, तो ए इसमें जोड़ देंगे हम लोग. यूनियन मतलब क्या, जोड़ देना, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब इधर बाहर का सारा, ये बाहर ए कॉम्प्लीमेंट है, इसमें हम ये ए जोड़ दिए, तो ए जोड़ दिए ए कॉम्प्लीमेंट से, तो ये क्या बन गया, यूनिवर्सल सेट. ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो ए मतलब तो अंदर वाला, ए कॉम्प्लीमेंट और बाहर वाला, दोनों में कोई कॉमन है नहीं, तो फाई, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाई. डीमॉर्गन्स लॉ हम लोग देख लिए, ये दोनों वाला देख लिए, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, लॉज और डबल कॉम्प्लीमेंटेशन हम लोग देखे, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर से ए ही आ जाएगा. ठीक है, द लॉज ऑफ एम्प्टी सेट यूनिवर्सल सेट. अब फाई का कॉम्प्लीमेंट अगर निकाले, एक होता है यूनिवर्सल सेट यू और एक होता है फाई. यूनिवर्सल सेट में सब आ गया, फाई में मतलब कोई नहीं आया. तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ऐसा सेट जो यू में हो और यू में नहीं हो. यू कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, जो यू में नहीं हो, यू तो पूरा होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, फाई. ऐसा कोई सेट ही नहीं है मतलब जो यू में हो भी और यू में नहीं भी हो, इसका मतलब फाई है, वो है ही नहीं. अब फाई का कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे कि ऐसा सेट जो फाई में नहीं है और यू में है, जैसे ये है यू, इसमें फाई कहाँ पे है, फाई तो होता ही नहीं है कहीं, जैसे यू है यूनिवर्सल सेट तो इसके अंदर फाई कहाँ पे है, फाई तो होता ही नहीं है. तो फाई कॉम्प्लीमेंट मतलब वो सेट जो फाई नहीं है, यू का वो एलिमेंट जो एम्प्टी सेट में नहीं है, वो तो सारा यू ही होता है ना, सारा यू आ जाएगा इसमें. तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के यू का सारा भाग, ए को छोड़ के ये ए है का यू का सारा भाग, लेकिन फाई तो होता ही नहीं है कुछ, तो फाई को छोड़ देंगे के सारा भाग मतलब सारा भाग. ठीक है ना, जीरो रुपया, कोई बच्चा कह रहा है कि जीरो रुपया रख के तुम हमको सारा रुपया दे दो, इसका मतलब तुम अपना सारा रुपया दे दो हमको, रखेगा क्या. अब एक्सरसाइज 1.5 है कि लेट यू इतना है, ए इतना है, बी इतना है, सी इतना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ये आसान है, निकाला जा सकता है. हम एक निकाल के दिखा देते हैं, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकाल के दिखा देते हैं. ये जो थोड़ा उठपटांग लग रहा है वो निकाल के दिखा देते हैं. बी में क्या है, 2, 4, 6, 8. ठीक है ना, बी में क्या है, यहाँ ही पर दिखा देते हैं. बी में क्या है, हमको दिखाना है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट. तो बी में है 2, 4, 6, 8, सी में है 3, 4, 5, 6. तो ऐसा जो बी में है, पहले तो बी माइनस सी निकालेंगे ना, यू हमारा 1 से लेकर 9 तक है, तो पहले बी माइनस सी निकाले. तो बी माइनस सी क्या आएगा, जो बी में हो और सी में नहीं हो, बी में हो और सी में नहीं हो, तो 2 है जो बी में है सी में नहीं है, 4 नहीं है कोई दोनों में है, 6 नहीं इसमें सी में है, 8 तो क्या आया, 2 और 8, b माइनस सी 2 और 8 आया. तो हमको b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब u का वो सारा एलिमेंट जो b माइनस सी में नहीं हो, u का वो सारा एलिमेंट
जो b माइनस सी में नहीं हो, यानी कि कौन कौन, 1, 3, 4, 5, 6 और 7, ये सारे एलिमेंट b माइनस सी के कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, इफ यू एट ए बी सी डी ई एफ जी एच फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ए का कॉम्प्लीमेंट ए बी सी को छोड़ के बाकी सारा, सी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। दूसरा आसान है, बहुत आसान है, डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, यूनिवर्सल सेट एन को मान लेना है, नेचुरल नंबर को, और बताना है। पहला, जैसे पहला क्वेश्चन है कि द सेट ऑफ ऑल एक्स आर एक्स एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर को छोड़ देंगे तो कौन कौन आएगा, ऑड नेचुरल नंबर, वन क्या आएगा, ऑड नेचुरल नंबर पहला। दूसरा है एक्स एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर को छोड़ के सारा नेचुरल नंबर क्या है, इवन, नहीं जीरो भी तो आ जाएगा ना उसमें, सारा एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो बाकी जो आएगा वो क्या आएगा, द सेट ऑफ ऑल एक्स, ऐसे लिखना और नहीं लिख देना है, पूरा बात लिखना है, द सेट ऑफ ऑल एक्स, जैसे ऊपर वाले का क्या लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स इवन नंबर को छोड़ के बाकी सारा, पहले वाले नंबर में क्या कॉम्प्लीमेंट निकालना है इस सेट का, तो द सेट ऑफ ऑल एक्स दैट एक्स इज एन ऑड एन ऑड नंबर्स। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑड को छोड़ के बाकी सारा नेचुरल नंबर, तो ऑड को छोड़ के बाकी सारा नेचुरल नंबर, हाँ हाँ क्योंकि इसमें तो जीरो नहीं ना होगा, सॉरी नेचुरल नंबर में तो जीरो होता ही नहीं है, तो इसमें लिख देंगे द सेट ऑफ ऑल एक्स दैट एक्स इज एन इवन नंबर, सारा लिख देंगे, सही बात है सारा, क्योंकि ऑड को छोड़ दो तो बाकी सारा क्या बचेगा, इवन ही बचेगा ना, क्योंकि वन से शुरू हो रहा है, अगर जीरो रहता तो नहीं होता सारा, अगर नेचुरल नंबर ना करके यूनिवर्सल सेट अगर होल नंबर रहता तो हम एक्स एन इवन नंबर नहीं लिखते हैं, क्योंकि ऑड नंबर को छोड़ के क्या खाली इवन नंबर बच रहा है, नहीं ऑड नंबर को छोड़ दें, ध्यान से समझिए, अगर हम लोग ऑड नंबर को छोड़ दें तो 1, 3, 5, 7, 9 इसे को छोड़ दें तो बाकी जो बच गया, अगर होल नंबर भी रहता तो उसमें भी जीरो आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, इवेंट नंबर होगा किसी केस में, नेचुरल नंबर हो चाहे ऑड नंबर हो। ठीक है, दूसरा हो गया, तीसरा एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स डज नॉट पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज नॉट पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, सिंपल नॉट लगा देंगे कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए। एक्स इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कंपोजिट नंबर, हाँ यहाँ पे फंस गया मामला, कि एक्स इज अ प्राइम नंबर है तो बाकी जो बच गया नेचुरल नंबर क्या वो कंपोजिट है, तो यहीं पे फंस गया, वन आ गया, अगर प्राइम नंबर को छोड़ दे, जैसे प्राइम नंबर हमारा हो गया 2, 3, 5, 7, 11 ये सब को छोड़ दे तो बाकी कौन कौन नेचुरल नंबर बचता है, बचता है 1, बचता है हमारा 4, बचता है हमारा 6, 8, 9, 10 ये सब बचता है ना आगे 12 ये सब, तो ये सब क्या है, ये क्या कंपोजिट नंबर है, नहीं ना कंपोजिट नंबर 1 तो ना इवन ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, तो यहाँ ऐसा नहीं लिख देंगे द सेट ऑफ ऑल एक्स एक्स इज अ कंपोजिट नंबर, प्राइम का उल्टा कंपोजिट, नहीं यहाँ 1 भी है, तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज कंपोजिट एंड ऑल्सो एक्स इज इक्वल टू क्या 1, ऐसे लिख सकते हैं या सिंपल रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे क्या 1, 4, 6, 8, 10, 9 आगे जितना भी है सब,
ठीक है, समझ रहे हैं ना। पांचवा, द सेट ऑफ ऑल एक्स दैट एक्स इज नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 और 5, तो जो 3 और 5 से डिविजिबल हो, 3 और 5 दोनों से, तो 3 और 5 दोनों से जो डिविजिबल है, इसका मतलब जो 15 से डिविजिबल है, तो बाकी क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल एक्स अदर एक्स इज द नंबर हुज विच इज नॉट डिविजिबल बाई 15, जो 15 से डिविजिबल नहीं हो, वो सारा एलिमेंट जो 15 से डिविजिबल नहीं हो। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 3 का आंसर क्या है। 1.53, हाँ, पॉजिटिव कंपोजिट नंबर और x इज इक्वल टू 1 लिया गया है। पॉजिटिव विच इज नॉट डिविजिबल बाई 3 एंड नॉट डिविजिबल बाई 5, मतलब नॉट नॉट लगा दे रहा है, सिंपल नॉट नॉट लगा दे रहा है, नॉट डिविजिबल बाई 5। एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो एक्स डज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, द सेट ऑफ ऑल एक्स एक्स इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब, तो एक्स इज नॉट नॉट परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ पे द सेट ऑफ ऑल एक्स एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8, इसका कंपोजिट क्या होगा, यहाँ पे आठवां, चलिए आठवां देखते हैं, आठवां में नॉट फोर्ट नहीं लगाना है। यहाँ द सेट ऑफ ऑल एक्स एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से अभी हम लोग कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाल रहे हैं, अभी हम लोग कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाल रहे हैं, अभी यहाँ से x प्लस 5 इक्वल टू 8 है, तो यहाँ से x क्या आएगा, 3 आएगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा x नॉट इक्वल टू 3, यही इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, इसका आंसर ये होगा। यहाँ तक तो हम क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किए, उसके बाद यहाँ पे क्या लिख दिए, x नॉट इक्वल टू 3, ये कॉम्प्लीमेंट है, आंसर हमारा ये है, ठीक है ना, आंसर हमारा ये है x नॉट इक्वल टू 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसी तरह 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, तो यहाँ पे x क्या आ जाएगा, 4, 2, x नॉट इक्वल टू 2, हमारा 9th का आंसर हो जाएगा। फिर 10th है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो इन द तो कॉम्प्लीमेंट उसका क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट, कहवा का हम बोल रहे हैं 10th का, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x लेस देन इक्वल सॉरी लेस देन इक्वल टू भी नहीं लेस देन 7, सच दैट x लेस देन 7, ये हमारा हो जाएगा 10th का कॉम्प्लीमेंट। 11th है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, तो 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10 है, तो यहाँ से पहले तो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, x आ जाएगा हमारा ग्रेटर देन 9/2, तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा x सच दैट द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x लेस देन 9/2, और नेचुरल नंबर लेना है, इसका मतलब कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 1, 2, 3 और 4, है ना, है इसका कॉम्प्लीमेंट, उसके कॉम्प्लीमेंट में 9/2 से बड़ा नेचुरल नंबर था, उसके कॉम्प्लीमेंट में उस क्वेश्चन में 9/2 से बड़ा नंबर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, 9/2 से छोटा नंबर, 9/2 से छोटा नेचुरल नंबर कौन है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। चौथा, इफ़ यू इतना है, ए इतना है, बी इतना है, वेरीफाई दैट ए यूनियन बी डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, वेरीफाई कर लेंगे हम लोग, आसान देख चुके हैं पीछे कैसे वेरीफाई करना है, ए यूनियन बी निकालना है, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना है, फिर ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना है, और उनका इंटरसेक्शन करना है, दोनों बराबर आ जाएगा, आसान है। उसके बाद है कि ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डाइग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, अप्रोप्रिएट वेन डाइग्राम, चलिए वेन डाइग्राम ड्रॉ करते हैं। पहला है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो देखिए ये ए होता है, हम ये बी होता है, ये मान लीजिए यूनिवर्सल सेट है, ये ए है ये बी है, तो पूरा ए यूनियन बी होता है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए यूनियन बी के बाहर वाला सारा, ए यूनियन बी के बाहर का सारा भाग, ठीक है, ये हमारा हो गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट बी इंटरसेक्शन, तो ये देखिए फिर से हम लोग एक यूनिवर्सल सेट लिए, ये ए है ये बी है, तो ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट में हमारा पूरा आ गया ये सारा भाग, ये सारा आ जाएगा, ये सारा आ जाएगा, सारा सॉरी अंदर वाला नहीं आएगा, जो कॉमन पॉइंट है ना वो नहीं आएगा, ध्यान से देखिए, जो कॉमन पॉइंट है ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा, ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट है, ए को छोड़ के बाकी, अब बी कॉम्प्लीमेंट में बी को छोड़ के बाकी सारा,
मतलब ये सब दोबारा चल रहा है, दोबारा आ रहा है, ठीक है। अब उसका इंटरसेक्शन, तो उसके इंटरसेक्शन में देखिए ये नहीं आया, ये नहीं आया और ये नहीं आया, कहाँ कहाँ पे डबल पिन चला, सिर्फ इस पे ना, बाहर वाले पे, यानी जो ये वाला जो ये था असल में, फिर वही डबल पिन कहाँ पे चला, सिर्फ इस सब जगह पे चला था, अंदर में एक ही पेन चला है, यहाँ पे एक ही पेन चला है, अब बीच में तो पेन ही नहीं चला है। इसका मतलब है कि ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर आया है, ये जो ए कॉम्प्लीमेंट सेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है ना, वो आया है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट था, पहला का क्वेश्चन जैसा ही दूसरा बना। जब हम ड्रॉ किए ग्राफ, तो असल में जो ग्राफ मेन ड्रॉ हुआ डबल पेन चला, वो सिर्फ किस पे चला, बाहर वाले पे, ए और बी को छोड़ के जो कोई भी हिस्सा पे नहीं गया, बाहर वाले पे चला, ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन निकालना था हमको। फिर अब है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये ए है, ये बी है, और ये है ए इंटरसेक्शन बी, और इसका कॉम्प्लीमेंट कहा है, इसका मतलब है कि ये पूरा, ये पूरा सारा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, समझ रहे हैं ना। देखिए ये ए है, ये बी है, ये ए इंटरसेक्शन बी है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तो इंटरसेक्शन वाले को खाली हटा के छोड़ के बाकी सबको रंग देना है, मतलब दिखा देना है, ये सब होगा, खाली ये बीच वाला भाग नहीं होगा, ठीक है। अब है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरा आ गया, ठीक है, ये पूरा आ गया। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ के बाकी सारा आ गया, डबल पेन कहाँ चल रहा है, बाहर में चल रहा है, बी को छोड़ के बाकी सारा इधर डबल पेन चल रहा है, और उसका यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ओहो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में, तो जहाँ पे डबल पेन चला नहीं उसको भी लेना है, जहाँ जहाँ पेन चला, इसका मतलब ये भी अंदर का लेना है, ये भी लेना है बाहर का, तो समझ रहे हैं ना, सारा ले लेना है, इंटरसेक्शन नहीं करना है इसमें, यूनियन करना है, मतलब बीच वाला खाली पर तो एक भी बार पेन नहीं चला, यानी कि इसमें क्या होगा, ये पूरा यही वेन डायग्राम है, असल में ये किसके जैसा निकला, उसी के जैसा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के जैसा, ठीक है। छठा क्वेश्चन है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विथ एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट, क्या कह रहा है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विथ एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विथ एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, एक एंगल जो है वह डिफरेंट है 60 डिग्री के, ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट है, मतलब 60 डिग्री नहीं है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जिसका एक भी एंगल 60 डिग्री नहीं हो, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जिसका एक भी, इसका एक कॉम्प्लीमेंट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक भी एंगल 60 डिग्री के, मतलब सारा इक्विलेटरल हो, ठीक है ना। इसका आंसर देखते हैं छठा का, एक्सरसाइज 1.5, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना, जिसमें एक भी एंगल 60 के डिफरेंट नहीं हो, सारा 60 हो, इसमें कहा कम से कम एक 60 से डिफरेंट हो, इसमें बोला है कि वो सारा ट्रायंगल लेना है जिसमें कोई एक एलिमेंट 60 से डिफरेंट हो, तो इसका उल्टा होगा कि वो सारा एंगल जिसमें एक भी एंगल 60 से डिफरेंट नहीं हो, मतलब सारा एंगल 60 हो, ठीक है ना, तो वो तो इक्विलेटरल होता है। अब ये है ए यूनियन ए डैश, तो हम लोग जानते हैं ए यूनियन ए डैश में तो पूरा यू आ जाता है, देख चुके हैं, फाई फाई डैश
इंटरसेक्शन ए, फाइव डैश इंटरसेक्शन ए, तो फाइव डैश में तो पूरा यू आ जाता है ना, फाइव डैश में तो पूरा यू आ जाता है, पीछे देखे हैं प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, और इसका इंटरसेक्शन ए से तो यही आएगा ना यू पूरा, ए तो सबसेट होता है यू का, यू मतलब क्या जो ए सबसे बड़ा है सेट उसी को तो यू बोलते हैं। अब ए कॉम्प्लीमेंट ए जो ए इंटरसेक्शन ए डैश, तो ए मतलब जो है, ए डैश मतलब जो ए में नहीं है, और इन दोनों का कॉमन क्या होता है, कुछ नहीं, फाई। और यू डैश इंटरसेक्शन ए, यू डैश मतलब कि यू को ऐसा एलिमेंट जो यू में नहीं हो, तो यू यू में नहीं है तो ए में कैसे होगा इंटरसेक्शन, मतलब जो दोनों में कॉमन हो, तो यू में नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, फाई ना, जो यू में नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, फाई। अब फाई का इंटरसेक्शन अगर ए के साथ कराएंगे तो आएगा क्या, फाई, ठीक है, हो गया। अब सेट का हम लोग सारा जो बेसिक था वो ख़त्म कर चुके हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में आएंगे कल से, ठीक है, धन्यवाद।